अस्सलामुअलैकुम कोलंबो से लाइव आपके साथ दोबारा यहाँ पर वेदर रिपोर्ट आपको देंगे सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे फैंस जो हैं वो दोबारा से हमें फीडबैक दे रहे हैं फेसबुक पे कि वेदर रिपोर्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली हमें देनी होगी। और वेदर जो है वो ऐसा टॉपिक है जो कि शायद पाकिस्तान श्रीलंका से मैच से भी ज्यादा जो है वो फैंस उसके बारे में जानना चाहते हैं। वेदर आपको बता दें, आप लोगों की खुशी के लिए आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आज वेदर बहुत बेहतर है, यहाँ पर सूरज निकला हुआ है और बारिश का अभी फिलहाल कोई चांस नहीं नजर आ रहा। लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मौसम बदलते हुए टाइम नहीं लगता, आधे घंटे घंटे में पूरा मौसम बदल जाता है और बारिश कहाँ से आ जाती है ये हमें भी पता नहीं चलता। हमें भी यहाँ पर 20 दिन ऑलमोस्ट हो गए आए हुए, लेकिन अब तक ये नहीं हम जान पाए कि आज बारिश जो है वो कितनी होगी और कब होगी। लोकल्स भी इवन हैरान है कि बारिश कभी भी आ जाती है। लेकिन अच्छी न्यूज आपके लिए, श्रीलंका पाकिस्तान का मैच, क्रंच मैच, नॉकआउट मैच, मस्ट विन मैच, डू और डाई मैच, कुछ भी कह ले इसको, पाकिस्तान के लिए इस मैच में बारिश जो है वो शायद ना ही आए। आए भी तो लाइट रेन आए, ड्रिजल आए, कवर्स जो है वो पूरे, आपने देखा होगा कल मैंने पिक्चर भी शेयर की थी, कवर्स पूरे स्टेडियम पे कल भी पड़े हुए थे। प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान का जारी था, नेट्स में कवर्स जो थे वो वहां पर स्टेडियम में पूरा ग्राउंड कवर था कि बारिश अगर ओवरनाइट होती है या सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है तो ग्राउंड पे पानी ना ठहरे, पानी ना खराब, पिच इफेक्ट ना हो उससे। और आप देख सकते हैं कि वेदर जो है वो बहुत क्लियर है। साथ साथ ये भी आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में अगर वॉशआउट मैच होता है अनफॉर्चुनेटली तो श्रीलंका आगे चला जाएगा। लेकिन कल भी मैंने रिपोर्ट किया था, श्रीलंकन फैंस जो है वो चाहते हैं पाकिस्तान को हरा कर फाइनल में पहुंचे, वो वॉशआउट की सूरत में वो फाइनल नहीं खेलना चाहते। डिफेंडिंग चैंपियंस है, पिछले साल 20 ओवर का एशिया कप वो जीते थे। इंडिया जो है वो फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुका है। इंडिया जो है वो 2018 का 50 ओवर एशिया कप एडिशन है, आप कह लें तो उसका डिफेंडिंग चैंपियन है। पाकिस्तान जो है अब तक एशिया कप नहीं जो है जीता 10 साल से, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ओकेजन है। एक और यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए ये है कि शाहनवाज धानी ने कोलंबो में टीम होटल, जो सिनेमन ग्रैंड होटल है जहां पाकिस्तान टीम ठहरी हुई है, वहां पर पेसर लाड़काना एक्सप्रेस शाहनवाज धानी ने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान टीम को। हिस्सा तो नहीं है वो प्लेइंग 11 के टुडे, आज जो मैच है क्योंकि उनका वीजा कल तक नहीं आया हुआ था, फिर कल रात वीजा आया, आज वो पहुंच चुकी है कोलंबो, तो वो हिस्सा तो नहीं है प्लेइंग 11 के, लेकिन वो आ चुकी है एज अ रिजर्व बॉलर। खुदा ना खास्ता हारिस राउफ रूल आउट हो जाते हैं आखिरी मैच से तो शाहनवाज धानी खेल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब हारिस राउफ रूल आउट हो जाएंगे। लास्टली यहां पर बता दूं, नसीम शाह अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, इंजरी की वजह से एशिया कप 2023 से बाहर हो चुके हैं और अब वो स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है, तो पाकिस्तान वो वापस जा रहे हैं। आज वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, धानी पाकिस्तान से यहां पर आ चुके हैं और आज एक बड़ा मैच है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।